नमस्ते प्रणाम। आज हमारे स्टूडियो आर आर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक बहुत ही प्यारे सिंगर अर्जुन सहानी जी। जी जी, बहुत ही अच्छा इनका आवाज है और आज आप लोग से रूबरू कराएंगे कि इनका कौन से सिंगर फेवरेट हैं और कौन से सिंगर के अंदाज में गाते हैं। भैया थोड़ा गहरा उधर कीजिए। नमस्ते जी, मैं अर्जुन सहानी आप सभी को दिल से नमस्ते करता हूँ। और जैसा कि सर आप लोग जानते हैं कि हर एक गायक के पीछे बहुत सारा संघर्ष रहता है, गरीबी हो और भी बहुत सारी बातें हैं। तो कलाकार जो होते हैं वो कितना भी तकलीफें हो लेकिन वो अपना हुनर नहीं छोड़ा करते हैं। क्या बात है। एक मन में कहीं ना कहीं आत्मविश्वास रखते हैं और पूरा भरोसा उनका आत्मविश्वास और भगवान प्रभु जी के। सही बात है। आइए अर्जुन भैया, हम अभी जब आपका डमी ले रहे थे तो बहुत ही अच्छे अच्छे सिंगरों के अंदाज में गा रहे थे। जी जी जी, तो सुनाइए क्या किसी उदित नारायण भैया की आवाज में। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत सभी जैसे कलाकार हैं। मैं बहुत छोटा हूँ और बहुत पहले से जब से होश संभाला है तब से उदय जी का, सानू दा का, सोनू जी का, अजीत साहब का, मतलब जितने हमारे बड़े सिंगर्स हैं उनको सुन सुन के थोड़ा बहुत गाने का कोशिश करते रहता हूँ। बहुत बहुत बढ़िया बात है और कोशिश करना भी चाहिए। कामयाब वही होते हैं जो कोशिश करते हैं, जो कोशिश ही नहीं करेंगे कामयाब कैसे होंगे वो। जी जी, थोड़ा कुछ सुना दीजिए उदित नारायण जी के आवाज में। जी आवाज तो नहीं निकलेगा लेकिन फिलहाल उनका स्टाइल थोड़ा बहुत एडप करता हूँ सभी सिंगरों का, कोशिश करता हूँ। सुनाइए सुनाइए कुछ। मुझे नींद ना हो, मुझे नींद ना, मुझे चैन ना, कोई जय जर ढूंढ के लाए। न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। क्या बात है, बहुत ही प्यारा बात। शुक्रिया। और कुमार सानू दा का। जी जी नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास, कोई रहता है वो हो तुम। नजर के सामने जिगर के पास। कोई अपने मन से सुनाइए, कोई अपने मन से जो आपको फेवरेट हो, कोई भी सिंगर। नहीं, हमारे लिए तो सभी बहुत ही अच्छे हैं लेकिन ज्यादातर मैं सानू दा का फैन हूँ उनका। अच्छा, बहुत एक सिंगर है मोहम्मद अजीज। अरे वो तो उनके अंदाज में सुना सके। जी जी बिल्कुल, कोशिश करेंगे मोहम्मद अजीज जी के अंदाज में। ओ गाए था भैया ने भी, आप अभी एक गाना नहीं गा रहे थे आजकल, याद कुछ और कहता नहीं आजकल। और की गाए
आजकल अजी साहब का ही है, सुनाइए। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। एक और सुनना चाहेंगे आपसे, किशोर दा का। किशोर दा, अरे क्या बात है। हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती। अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती। अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। क्या बात है, धन्यवाद भाई। एक खाता तो जब बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे एक गाना खाता तो गाते हैं किसी को चाहते हुए एक बार। अरे सब वही, सब वही। हाँ, खाता तो जब हो के हम हाल दिल किसी से कहे, खाता तो जब हो के हम हाल दिल किसी से कहे। किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। क्या बात है, बहुत ही प्यारा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर पसंद आया हो तो प्यार मोहब्बत दीजिएगा। नमस्ते, धन्यवाद। आइए, अभी भैया का गाना लॉन्च हुआ था बेवफा बेरहम, और जो एंगल म्यूजिक से रिलीज है, मैं उनसे मिलवाना चाहता हूँ जो इस गीत के लेखक हैं। और जो अर्जुन जी हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित हैं, उन्हीं का दिन है, और बहुत ही अच्छे अच्छे सिंगर भैया कॉन्टेक्ट में रहते हैं। कुछ दो बात भैया जी से कुछ के बारे में। किशन यादव जी, नमस्ते। आप सभी लोगों को मेरे तरफ से, सभी श्रोताओं को नमस्ते। और हमारे अर्जुन साहनी जी काफ़ी ही अच्छे उभरते हुए कलाकार हैं, और मैं कहना चाहूँगा कि इनको, इनकी जो गायकी है वो काफ़ी ही अच्छी होते जा रही है, और मैं इनको काफ़ी सक्रियता से लेकर के चल रहा हूँ, ताकि इनके जो गाने का जो अंदाज है और जो टैली है वो काफ़ी अच्छा रहे। और मैं चाहता हूँ, ईश्वर से मनाता हूँ कि हे भगवान, इनको काफ़ी आगे की तरफ बढ़ाएं, मेरी यही मनोकामना है। बाकी आर्या रिकॉर्डिंग स्टूडियो के तरफ से जो भी सिंगर और श्रोतागण हैं, सभी लोगों को मेरे तरफ से नमस्ते प्रणाम। और मैं चाहता हूँ सभी हमारे जो भी छोटे मोटे कलाकार, चाहे जो भी कलाकार हैं, उभरते कलाकार हैं, सभी लोग यहाँ अपना गीत गाएं, और लोगों में एक बढ़िया संदेश जाए कि मतलब आर्या रिकॉर्डिंग स्टूडियो की तरफ से अच्छे अच्छे कलाकार आ रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं जनता से और श्रोतागण से, सभी लोगों से मेरा तहे दिल से आभारी है। सभी लोग आर्या रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जो भी गायक हैं अपना गाना गाएं, और सभी लोगों को मतलब अपने गाने को नेट के माध्यम से, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, सभी लोगों के पास पहुंचे, यही मेरी गुजारिश है। नमस्ते। और मैं किशन भैया का एक बहुत ही अच्छी
अब आदत कहिए या सोच कहिए, बताना चाहता हूँ अगर कोई न्यू सिंगर है जो बहुत परेशान होते हैं सब रिलीजिंग के लिए, बहुत मुझे खुशी होता है भैया जी से अगर न्यू ट्रैक जो भी करते हैं, न्यू म्यूजिक करते हैं, पैसा खर्च करते हैं न्यू म्यूजिक पे, उनका रिलीजिंग भैया अगर भैया से कॉन्टेक्ट करते हैं तो कम से कम खर्चा, समझ लीजिए खर्चा कुछ नहीं है, बड़े से बड़े कंपनी में जिस कंपनी से कहेंगे, आरजीएम से, वेब से, एंगल से, टीएफ से, आदि शक्ति से, जिससे बोलेंगे आप भैया रिलीजिंग कराते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी का इतना सिंगर को कार करने के लिए। पहले मैं भी सिंगिंग ही करता था और मैं रिलीजिंग के लिए बहुत परेशान रहता था पहले, मैं छोटे छोटे कंपनी में रिलीजिंग कराता था, पर आज जब से भैया जी से मिला हूँ तब से भैया हर गाना जो भी गाना आता है हमारे स्टूडियो से अच्छे चैनल पे जाते हैं, वेब पे जाते हैं, एंगल पे जाते हैं, आरजीएम पे जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया जी को, बस इतना ही, और आगे गाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जितने भी गाने सिंगर भैया लोग गाएंगे आपको हम दिखाते रहेंगे। नमस्ते, प्रणाम।